खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GH न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार के 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। पटना में कचरे के ढेर पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रणदीप सुरजेवाला ने बताई वजह। बिहार में चुनाव को लेकर सभी दल एक दूसरे की कमियां निकालने में जुट गए हैं। सभी दल लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इसी क्रम में आज कांग्रेस ने कचरे के ढेर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बिहार की हवा पानी सबको नष्ट कर रही है और ऐसे में एक जुमलेबाज आज बिहार आए हैं। एक हवाबाज नीतीश कुमार है जिन्होंने बिहार को बेहाल किया है। मुख्यमंत्री के गढ़ में गरजे तेजस्वी, बोले 10 तारीख को नीतीश की विदाई तय। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नालंदा में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। चुनावी सभा में वे कुछ अलग अंदाज में दिखे। तेजस्वी भीड़ से लगातार बात कर रहे थे, वह लोगों से सवाल पूछ रहे थे और भीड़ उनका जवाब दे रही थी। उन्होंने भीड़ से कारखाना लगाने, रोजगार देने आदि के बारे में सवाल पूछा तो भीड़ ने ना ना कहकर अपनी बात कही। 7 निश्चय घोटाला अभी से सामने आने लगा, चिराग बोले IT एक्शन से नीतीश घबराए। बिहार में चुनाव के बीच इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। आयकर विभाग ने 7 निश्चय योजना के ठेकेदारों के यहाँ छापेमारी की। उसके बाद नीतीश कुमार के विरोधी को उन पर हमला बोलने का मौका मिल गया। LJP अध्यक्ष चिराग पासवान ने आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद नए सिरे से नीतीश सरकार पर हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि 7 निश्चय योजना घोटाले की बात जो वह कर रहे थे उसे इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई ने साबित कर दिया। तेजस्वी बोले जनता नीतीश कुमार को करने जा रही है रिटायर, हो गए हैं 70 साल के। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने CM नीतीश कुमार को एक बार फिर से आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी को नीतीश कुमार 50 साल की उम्र में रिटायर कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें खुद जनता रिटायर करने जा रही है। PM मोदी ने नीतीश की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को लिया निशाने पर। कहा, परिवारवाद को आबाद करने वाले लोग कभी जनता का भला नहीं कर सकते। बिहार के चुनावी रैलियों में PM मोदी ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। बिहार के 4 जिलों में चुनाव प्रचार को संबोधित करते हुए PM मोदी ने नीतीश कुमार के कार्य की सराहना की। साथ ही बिहार में परिवारवाद की राजनीति पर भी जुबानी हमला बोला और नीतीश कुमार का उदाहरण देते हुए NDA की पार्टी लोकतांत्रिक है कहा। और उन्होंने पूछा, नीतीश कुमार के परिवार के किसी सदस्य को आपने MLA या सांसद देखा है? महागठबंधन में आप युवराजों को देख सकते हैं। वोट मांगने गए विनय बिहारी को गांव वालों ने गांव से निकाला बाहर। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी अपने जोड़ों पर है। इसी कड़ी में आज विनय बिहारी अपने क्षेत्र की जनता से मिलने गए, लेकिन वहां की जनता ने उन्हें अपने गांव से वापस निकाल दिया। जनता का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। निकालने के बाद इस पूरे मामले की वीडियो किसी ने बना ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। RLSP कैंडिडेट पर फायरिंग, कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी दफ्तर में बैठे थे उम्मीदवार। बिहार में चुनावी हिंसा का दौर लगातार जारी है। ताजा घटना पूर्णिया जिले से है जहां राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर अपराधियों ने फायरिंग की है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के धमधा सीट से उम्मीदवार रमेश कुशवाहा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। घटना मधुबनी OP क्षेत्र की है जहां राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं के साथ वे बैठे थे। वहीं रमेश कुशवाहा पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी।
मुंगेर पुलिस फायरिंग में 25 पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज, मृतक के परिजनों ने भी किया FIR। मुंगेर पुलिस फायरिंग में दो युवकों की मौत और बवाल के बाद पुलिस कर्मियों के खिलाफ दो केस दर्ज कर लिया गया है। इसमें एक केस मृतक के परिजनों ने किया है। इस घटना की जांच शुरू हो गई है। मुंगेर पुलिस फायरिंग को लेकर कोतवाली थाना में श्रद्धालुओं पर फायरिंग और लाठीचार्ज को लेकर 20-25 अज्ञात पुलिसकर्मी पर केस दर्ज कर लिया गया है। बिहार में फिर मिले कोरोना के 777 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 217,541। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 777 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 217,541 हो गई है। बिहार में फिलहाल 8,639 कोरोना के एक्टिव मरीज मिले हैं। लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं कोरोना संक्रमित BJP विधायक। पटना में दनादन कर रहे हैं चुनाव प्रचार। भारतीय जनता पार्टी के चमत्कारी विधायक अरुण सिन्हा लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पटना में कुम्हरार सीट से भाजपा विधायक अरुण सिन्हा कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाजपा विधायक सरेआम स्वास्थ्य मंत्रालय और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437।